अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एडी नेब के पास पेपर्स को सोल्व करेंगे जो रिसेंटली 2 वीक्स अगो 23 से 24 सितंबर 2020 को हुए थे। मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इन वीडियोस को टाइम पर नहीं बना सका था, तो अभी टाइम मिलने पर मैं अपने यूट्यूब पर एडी नेब की प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने एडी नेब के बैच 1 के पेपर को सोल्व किया है जो 23 सितंबर 2020 को हुआ था, और बैच 2, 3 और 4 की वीडियोस मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात ये कि मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को गूगल से रीचेक किया है और कोशिश की है कि मुझसे मिस्टेक्स ना हों। फिर भी अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत महसूस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे आगाह कर दें। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी लास्ट गजवा वास, आखिरी गजवा कौन सी थी? गजवा तबूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन सूरह इखलास, सूरह इखलास में कितनी आयात हैं? इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही बुखारी वास कंपाइल्ड बाय, सही बुखारी को किसने कंपाइल किया था? इमाम बुखारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुआ जी सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स, आर्मी चीफ के टेन्योर को, उसकी मुद्दत को कितने साल बढ़ाया गया है? इसका जवाब है 3 साल। अगला सवाल है, हु डिक्लेयर्ड दैट पीस इन माली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ये ऐलान किया है कि माली में अमन पीस एक टफेस्ट चैलेंज है? तो इसका जवाब है UN पीस कीपिंग चीफ जीन पेरी लेक्रोस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द अथर ऑफ किताबुल ओम, किताबुल ओम के अथर का नाम क्या है? इमाम शाफी। अगला सवाल है, हु डिक्लेयर 2020 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट्स हेल्थ, किसने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट्स हेल्थ करार दिया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। अगला सवाल है, हु रिप्लेस्ड आसिफ सईद कोसा एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आसिफ सईद कोसा को किसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर रिप्लेस किया है? जवाब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने। अगला सवाल है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओ आई सी के करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम? यूसुफ बिन अहमद अल ओथेमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम केट मिडिल्टन विजिटेड पाकिस्तान ऑन, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन पाकिस्तान कब आए थे? 14 अक्टूबर 2019 को। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुक ऑफ ज़ोरोएस्टेरिनिज्म, इनके मज़हब की किताब का क्या नाम है? एरिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर डिफेंस इन 2019-20 बजट, 2019-20 के बजट में डिफेंस के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई? 2019-20 में 1152 बिलियन रुपीस, वाइल इन 2020 जबकि 2020-21 के लिए 1289 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह अलक इज द डेज सूरह ऑफ द होली कुरान, सूरह अलक कुरान पाक की कौन सी सूरत है? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरलाइन रिज्यूम्ड इट्स फ्लाइट्स टू पाकिस्तान आफ्टर अ डिकेड, किस एयरलाइन ने एक दिहाई के बाद यानी 10 सालों के बाद पाकिस्तान में अपनी फ्लाइट्स को रिज्यूम किया है? इसका जवाब है ब्रिटिश एयरवेज। अगला सवाल है, शिमला डेप्यूटेशन वाज हेडेड बाय, शिमला डेप्यूटेशन को हेड कौन कर रहा था, सरब्राई कौन कर रहा था? सर आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF अप्रूव्ड 1 बिलियन US डॉलर्स फॉर पाकिस्तान फॉर 3 ईयर्स, IMF ने पाकिस्तान के लिए कितने बिलियन 3 सालों के लिए अप्रूव किया लोन? 6 बिलियन US डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट गवर्नर का नाम क्या है? तो ये रजा बाकिर हैं।
अगला सवाल, इन विच ईयर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश कब पैदा हुए? 571 AD. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर कामयाब जवान प्रोग्राम? कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई? 100 billion. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना मरीन इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सेना मरीन किस मुल्क की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं? आंसर है फिनलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फाटा मर्जर हाउ मैनी जनरल सीट्स वर एडेड टू द केपीके प्रोविंशियल असेंबली? फाटा के इंजमाम के बाद, फाटा मर्जर के बाद केपीके की सूबाई असेंबली में जनरल सीट्स की तादाद अभी कितनी हो गई है? इसमें कितनी सीट्स ऐड की गई? 10 सीट्स ऐड की गई. अभी जो टोटल इनकी तादाद है 147 है, फ्रॉम प्रीवियस कितनी थी इसकी? 126. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर? कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्ट करता है? सऊदी अरबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सिमला कॉन्फ्रेंस वॉज कंक्लूडेड विद फेलियर? 14th July 1945. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इजिप्ट विच टू मुस्लिम कंट्रीज डिड द पीस डील विद इसराइल? इजिप्ट के बाद दो मुसलमान मुल्कों ने, कौन से दो मुसलमान मुल्कों ने इसराइल के साथ पीस डील की है? UAE एंड बहरीन ने 2020 में. अगला सवाल है, ऑन विच कंट्रीज रिक्वेस्ट UNSC हेल्ड क्लोज डोर मीटिंग ऑन कश्मीर इशू? किस मुल्क की रिक्वेस्ट पर UNSC ने कश्मीर इशू पर क्लोज डोर मीटिंग की थी? चाइना की रिक्वेस्ट पर. अगला सवाल है, द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस बाय फीमेल एस्ट्रोनॉट वाज? सबसे ज्यादा टाइम गुजारने वाली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन थी स्पेस में? क्रिस्टीना कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेफ्ट यूरोपियन यूनियन आफ्टर ब्रेक्सिट? ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन यूनियन से किसने इनखला किया है? कौन निकला है? UK. और अब EU में 27 मेंबर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन जनवरी 2020 कॉशनड इट्स एविएशन रेगुलर FAA फॉर पाकिस्तान एयर स्पेस फ्लाइट्स ड्यू टू एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट एक्टिविटीज? तो कौन सा मुल्क था? USA. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम क्वेश्चंस वर अबाउट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इंग्लिश का पोर्शन था, इसमें कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड मलाला यूसुफज़ई द मोस्ट फेमस टीनेज ऑफ द डेकेड? किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशंस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स जज ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वन यूनिट एबोलिश्ड? वन यूनिट को कब खत्म किया गया था, एबोलिश किया गया था? 1 July 1970 को. और लागू कब किया गया था? 14 October 1955 को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह इज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट? सैफुल्लाह किस पैगंबर का लकब है? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनु का. अगला सवाल है, द 17th अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? 17वीं अमेंडमेंट नेशनल असेंबली से कब पास हुई थी? 29 December 2003 को. अगला सवाल है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओब्लिवियस? ओब्लिवियस का सिनोनिम यानी सेम मीनिंग, इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लूलेस, इनकॉग्निजेंट और इग्नोरेंट एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का सिनोनिम इंट्रूजन, इंटरसेशन और इनक्रोचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस? केयरफुल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेक्शन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डील्स विद द रिमूवल ऑफ चेयरमैन नैब? कौन सा सेक्शन डील करता है इसे? सेक्शन 9A. विच कंट्री लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन मार्च 2020? कौन से मुल्क ने यूरोपियन यूनियन से मार्च 2020 में इनखला किया था? कोई भी नहीं, UK ने इसको छोड़ा था 31 January 2020 को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टारगेटेड अमेरिकन बेसिस इन 2020? 2020 में किस मुल्क ने अमेरिका के जो बेसिस थे उनको टारगेट बनाया था? ईरान ने. अगला सवाल है, विच टेंपल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद? बाबरी मस्जिद की जगह पर कौन सा मंदिर बन रहा है? राम मंदिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाकिस्तानीज वर किल्ड इन न्यूजीलैंड्स मास्क अटैक? कितने मारे गए?
नॉन पाकिस्तानीज। अगला सवाल है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन डील्स विद अरेस्ट। कौन सा सेक्शन डील करता है अरेस्ट से? सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाब ऑफ ज़कात फॉर सिल्वर कितना है? इसका निसाब 52.5 तोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन डील्स विद करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 9। विच सेक्शन डील्स विद रिवार्ड एंड बोनसेस टू एम्प्लॉइज? सेक्शन 33A। अगला सवाल है, विच सेक्शन डील्स विद फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी? सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन डील्स विद वॉलंटरी रिटर्न एंड प्ली बार्गेन? सेक्शन 25। अगला सवाल है, विच सेक्शन डील्स विद ट्रांसफर ऑफ केसेस? सेक्शन 33। अगला सवाल है, इफ एनी पर्सन हैम्पर्स इन्वेस्टिगेशन ही शी मे बी इम्प्रिज़न्ड फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अगला सवाल है, विच सेक्शन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस? कौन सा डील करता है? 31E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद देश अपॉइंट्स प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी? किसके साथ कंसल्टेशन करके? चेयरमैन नैब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर नैब लॉज ही शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस आर टू होल्ड पब्लिक ऑफिस फॉर डेश ईयर्स टू रिकंड फ्रॉम द डेट ही इज रिलीज्ड आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस? तो कितने साल? 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटनेस इज प्रोटेक्टेड अंडर विच सेक्शन? 31E। अगला सवाल है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स इज 75.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड यूएस ट्रूप्स एंड यूएस बेसिस इन इराक? किसने अटैक किया? ईरान ने। अगला सवाल है, नैब चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड अंडर विच सेक्शन? इसका जवाब आप देंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ बोनस इन विच सेक्शन? 33A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ केसेस इन विच सेक्शन? ये रिपीट हो गया है, 16A। लास्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इज 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स।